लोगांव और वाघोली। देखिए साथियों, एक चीज पहले इसमें समझ लेते हैं कि लोगांव और वाघोली में बेसिक फर्क क्या है। वाघोली अगर आप देखें तो ये ग्राम पंचायत का हिस्सा था, काफी लंबे समय से रुका हुआ था, कॉरपोरेशन का पार्ट नहीं था। लेकिन वहीं अगर हम लोगांव को समझें तो 2017 वाले जो लिस्ट है उसमें इसका नाम था, यानी कि 2017 में ये पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल हो चुका था। और वाघोली अब जाके जो नया सर्कुलर जो हमने वीडियो भी बनाया था जिसमें 28 विलेजेस को ऐड किया गया था, इस वाले लिस्ट में यानी कि इस साल के लिस्ट में वाघोली का नाम था और इस साल जो है वाघोली पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा बना। और इसी 28 विलेजेस के जुड़ जाने के बाद पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पीएमसी और पीसीएमसी मिलके महाराष्ट्र के सबसे बड़े सिटी में शुमार हो गए, यानी कि जो आपका बृहन्मुंबई कॉरपोरेशन है बीएमसी है, इससे भी बड़ा अब पीएमसी और पीसीएमसी को मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा सिटी बन चुका है। बात करते हैं और फर्क की। लोहगांव क्योंकि 2017 में ही कॉरपोरेशन में आ गया, तो यहां पे अगर आप रोड डेवलपमेंट की बात करेंगे, गार्बेज कलेक्शन की बात करेंगे, रोड वाइडनिंग की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करेंगे, तो ये अपेक्षाकृत वाघोली के काफी अच्छा इंप्रूव हो चुका है। वहीं अगर आप वाघोली की बात करेंगे, क्योंकि इसी साल ये कॉरपोरेशन में आया है, अभी इसके लिए बजट बनाया जाएगा और ये बेसिक जो सुविधाएं हैं जैसा मैंने आपको कहा रोड वाइडनिंग, गार्बेज कलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से की जाए, इन सब में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लोहगांव में भी होने में इन सब चीज़ों में समय लगा था, अब वो 4 साल बीत चुके हैं। इसीलिए जब आप कभी भी पीछे के रास्ते से जो आपका वागेश्वर मंदिर है वहां से होते हुए जब आप लोहगांव एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा जाते हैं तो आप देखेंगे डायमंड वाटर पार्क का जो रास्ता कटता है वहां से लोहगांव की तरफ का पूरा रास्ता वाइड है, अच्छे से बना हुआ था। लेकिन उसके पहले यानी जहां आपका सुयोग का प्रोजेक्ट है, जहां से आप रोहन अभिलाषा के लिए मुड़ते हैं, जहां पे अल्फा होम है, मार्वल फ्रिया है, यानी कि मंदिर के पीछे से लेके जो आपका डायमंड वाटर पार्क तक का हिस्सा कट रहा, वहां पे आप देख सकते थे रोड काफी नैरो था और टूटा फूटा था। उसका कारण वही था क्योंकि जो लोहगांव की हद में था वो कॉरपोरेशन था और इधर जो है कॉरपोरेशन में नहीं था। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या वाघोली से निकल के आती थी वो थी गार्बेज बर्निंग की, जिसपे हमने कई वीडियोस जो है बनाए हुए हैं। कोशिश रहेगी कि उसमें से कुछ वीडियो का आई बटन यहाँ चला दिया जाए, आप देख लें। तो ये समस्या काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। सड़कों के किनारे कचरे फेंके रहते थे, जितने भी गुंठेवारी में कलेक्शन थे वहाँ तो कोई जो है गार्बेज कलेक्ट करने जाता नहीं था, वो सब लोग ला के कहीं ना कहीं सड़कों पर जो है कचरे फेंक देते थे, वह भी एक समस्या थी। मवेशी उसे खा रहे हैं, पॉलीथीन भी खा रहे हैं, उससे अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं और कहीं ना कहीं हम जानवर सब एक साथ लोग जब रहते हैं तो एक दूसरे से बीमारियों का ट्रांसमिशन भी होता रहता है, तो यह भी एक समस्या थी। अब आशा की जा सकती है कॉरपोरेशन में आ चुका है तो गार्बेज बर्निंग, गार्बेज डंपिंग और जो इसका एक मिसमैनेजमेंट है उसमें सहूलियत मिलेगी, रोड भी वाइड होंगे, रोड को अच्छे से जो है बनाया जाएगा और तमाम ऐसे लोकेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति प्रॉपर नहीं है उसे भी स्ट्रॉन्ग की जाएगी, क्योंकि वाघोली में थर्सडे के दिन इलेक्ट्रिसिटी कट की बहुत बड़ी समस्या थी और अभी भी है, आने वाले समय में धीरे धीरे इंप्रूव होगी और ये लोहगांव में इंप्रूव हो चुकी है। भामा आस्खे डैम से जो वाटर सप्लाई आया है जो कि स्पेशली ईस्टर्न पुणे के लिए है, जो नगर रोड से लगे हुए हिस्से हैं उनके लिए है, तो अभी ये वाटर सप्लाई पोरवाल रोड पे जो कि लोहगांव में आता है वहाँ नहीं आपूर्ति हो पा रहा है। इसके लिए वहाँ के रेजिडेंट जो है लगातार फाइट, स्ट्राइक सब कुछ कर रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अब वाघोली भी आ गया है कॉरपोरेशन में तो भामास्कर डैम से जो वाटर सप्लाई आई हुई है उसमें बढ़ोतरी होगी और इन लोकेशन में भी उसकी सप्लाई की जाएगी। अब आ जाते हैं और बड़े फर्क पे दोनों लोकेशन के। दोनों लोकेशन में जैसा हमने कई वीडियो में बताया है जो आपका नगर रोड है एक रीढ़ की हड्डी है, एक काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है इस पूरे लोकेशन के लिए, उससे लगा हुआ वाघोली है तो एक उसको प्लस पॉइंट मिल जाता है। जो मेट्रो का एक्सटेंशन है वो भी नगर रोड से होना है वो एक प्लस पॉइंट दे देता है। लेकिन लोहगांव को एक जो बड़ा एक प्लस पॉइंट मिलता है वो ये कि वहाँ से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, सेंटर ऑफ सिटी जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, आपको वेस्ट पुणे जाना है तो अपेक्षाकृत वाघोली से काफ़ी नज़दीक हो जाता है और 4 साल पहले ही ये कॉरपोरेशन में आ चुका था तो उसका बेनिफिट भी दिखता है। रोड वाइड हैं, रेड लाइट लगे हुए हैं और तमाम चीज़ें जो है
वो एज इट इज आप देखें तो काफी सही ढंग से चल रही हैं। लेकिन एक यह भी समस्या है कि वहां गुंठेवादी में तमाम कंस्ट्रक्शन हुए हैं, तो किस तरीके से वो रेगुलराइज होंगे। जो काफी कंजेस्टेड और डेंस सोसाइटीज हैं, जैसे आप कलवड़ बस्ती की बात कर लीजिए, उसका क्या होगा, वहां के रोड डेवलपमेंट का क्या होगा, पानी की आपूर्ति कैसे की जाएगी, क्या वहां पे कुछ नया रीडेवलपमेंट प्लान लाया जा सकता है जिससे तमाम लोग जो छिटके पड़े हैं, स्कैटर्ड हैं, उनको एक जगह पे बसाया जा सके और चीजों को थोड़ा आसान किया जा सके। क्योंकि वहां से जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे ही आप एयरपोर्ट के जोन में आते हैं, एयरफोर्स के जोन में आते हैं, जब आप कभी वाघोली से आइए और एयरपोर्ट की तरफ निकलिए, तो वहां साफ लिखा होता है फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन जो मैं कलवड़ बस्ती की बात कर रहा हूं, यहां से आपको सीधा का पूरा सीधा सीधा एयरपोर्ट दिखता है, आप अपने मोबाइल कैमरे से भी सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच भी है, वहां पे अच्छे खासे कंपाउंड वॉल बनाए जाने चाहिए और यहाँ जो डेंस सोसाइटी है इसका भी उद्धार करना चाहिए, लोगों को कन्विंस करके एक दो जगहों पे हाई राइजेस टावर बना के कहीं ना कहीं अगर इसमें लोगों को शिफ्ट करेंगे तो चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो सकती हैं। जो सिक्योरिटी ब्रीच की बात कर रहा हूँ वो भी आसान हो पाएगा, जो भी लोग इसे देख रहे हैं, जो भी लोग वहाँ गए होंगे इस बात को कोरिलेट कर पाएंगे। और जो आपका डीवाई पाटिल कॉलेज रोड है, जहाँ से आप सीधा गांव की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी तमाम गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन है, उसको भी रेगुलराइज किया जाए, रोड पे काम किया जाए, सीवर लाइन पे काम किया जाए, उनको ड्रिंकिंग सप्लाई प्रोवाइड की जाए। क्योंकि जब आप उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लेना चालू कर दिए हो तो बेसिक सुविधाएं भी दीजिए, कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी है। और चार साल होने के बावजूद भी अगर वहां पे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो आप सोचिए वाघोली जो न्यूली एडेड विलेज है इस पूरे लिस्ट में, 28 लिस्ट में, उनको जो है गुंठेवारी में और जो इंडिविजुअल हाउसिंग है उनको कब पानी मिलेगा। और सोसाइटीज में भी तो नहीं मिल रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकें कि 3 साल बाद वाघोली के सोसाइटीज़ में कॉरपोरेशन का पानी आ जाएगा। तो पानी एक बड़ी समस्या है जिस पे अथॉरिटीज़ को ध्यान देना चाहिए कि आखिर अगर हम इन सब गांवों को कॉरपोरेशन में ला रहे हैं तो इसकी रूपरेखा क्या बनेगी, कहां से कितना फंड डिप्लॉय किया जाएगा और बेसिक सुविधाएं लोगों तक कैसे और कितने जल्दी पहुंच पाएंगी। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स में इमीडिएट चेंज आता है, कई बार यह भी दलील दी जाती है कि जब प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होगा, एक कॉर्पस तैयार होगा, तब हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। तो बेसिक अगर हम समझें तो ये मूल रूप से ये डिफरेंसेस दोनों लोकेशन में हैं। आज के समय में कहा जाएगा तो कॉरपोरेशन की मैक्सिमम सुविधाएं लोगों में मौजूद हैं और नए ऐड होने की वजह से वाघोली में अभी इन सुविधाओं का आने में समय लगेगा। तो दोनों लोकेशन में से जो थोड़े डेवलप्ड लोकेशन की तरफ रहना चाह रहे हैं उनके लिए लोहगांव है, और जो थोड़ा वेट कर सकते हैं लंबे समय के लिए उनके लिए अच्छा प्रॉस्पेक्ट वाघोली जरूर लेके आ सकता है। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, नगर रोड है और मेट्रो का एक्सटेंशन भी होना है और यही रास्ता आपको सीधा नगर और शिरडी के लिए टच करता है, औरंगाबाद के लिए भी यही कनेक्टिविटी काम आती है। आशा करते साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। अपनी समस्याएं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।